ठीक है पवन जी, लास्ट में डिस्कस करेंगे सालनी। सभी लोग कमर गर्दन सीधा करके बैठ जाएंगे। सभी योग साधक गण, एक साधिका गण सभी लोग। इसके बाद ओम का उच्चारण एक बार करेंगे, फिर एक मंत्र महामृत्युंजय मंत्र करेंगे, फिर शांति पाठ करेंगे। ओ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मोक्षी यमामृता 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी लोग अपने हथेलियों को मिलाकर घर्षण करेंगे और अपने मुख मंडल पर स्पर्श करते हुए फिर धीरे धीरे आँख पुनः खोलेंगे और क्लास का सत्र आरंभ होगा। सो धन्यवाद। धन्यवाद जी। ओके, अब अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। सभी का स्वागत है, पूरी ऊर्जा के साथ, है ना, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ आयुर्वेद की कक्षा को आगे बढ़ाते हुए। अभी हम लोग महत्वपूर्ण टॉपिक को खत्म किया है, वो है त्रिदोष सिद्धांत, वात पित्त और कल हमने कफ का भी पूरा जिक्र कर लिया है। इसके बाद प्रकृति को पहचानने का तरीका को हमने जाना। टोटल 13 पैरामीटर्स थे जिसको हम चेक करके अपनी प्रकृति को पहचान सकते थे। और यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है, जितने भी लोग होंगे, जिसने भी चेक किया होगा कल का लेक्चर, जिसने भी अटेंड करा होगा, उनको 100% जो है अपनी प्रकृति पता चल गई होगी। या कहीं ना कहीं वो नहीं 100% तो 90% तो जरूर अपने उस प्रकृति से संतुष्ट होंगे। ऐसा कोई है जो लगा हो कि नहीं सर, मेरा कुछ अलग आ गया, मेरी प्रकृति ऐसा है नहीं बट ये आ गया, ऐसा भी है कोई? नहीं है। ठीक जी है, सर, तो ये मैं मान के चलता हूँ कि वो जो भी पैरामीटर्स थे बहुत सटीक हैं उस जानने के लिए, अपनी प्रकृति को जानने के लिए। और फिर उसके अनुसार से हम अपने को इलाज भी कर सकते हैं, अपने को उपचार भी कर सकते हैं कि हमें किस तरह का भोजन कैसा ग्रहण करना चाहिए, कैसा खाद्य पदार्थ लेना चाहिए, है ना, किस किस चीज का यूज करना चाहिए प्रकोपित हो जाए तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का भी टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो है हम लोग जानेंगे उपस्तंभ को, ठीक है, जो हमारे आयुर्वेद में निर्दिष्ट है उपस्तंभ, उसको जानेंगे और प्रकृति को समझेंगे चरक के अनुसार, है ना। तो मैं स्लाइड शो कर रहा हूँ, आप लोग बताइएगा स्क्रीन पर देखिए। से मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि अभी हमने देख लिया है, ठीक है। मैं धीरे धीरे आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने स्मरण शक्ति को तेज करते हुए याद कीजिए कि हाँ हमने ये सब सारी चीजें पढ़ी। याद आ रहा है? हाँ, ये सब चीजें हमने पढ़ी। नहीं लग रहा? देखते जाओ ऐसे करके, ये बहुत ज्यादा अभी हमें पढ़नी है ना, बहुत पढ़ने।
सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो गई, सबको ब्रेक हो गया यस सर। यस सर, सबको। अपने इष्ट देवता का स्मरण करते हुए आप लोग, इष्ट का स्मरण करते हुए आप लोग सोचिए कि जल्दी से मेरी ये जो नेटवर्क का इश्यू है ठीक हो जाए। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इतनी लोगों की दुआएं जब रहेंगी कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, ये सब सारी चीज कारण इसके उपाय को हमने देखा, फिर कफ को देखा, इसके स्थान को देखा हमने, इसके भेद के देखे, इसके कार्य देखे, प्रकोपित होने से कौन से रोग होता है वो देखा हमने, कफ के गुण को देखा, के प्रकोप होने के कारण को समझा, उसके लक्षण को देखा, इसके शांत करने के उपाय, ये सारी चीज हमने देखी। इसके बाद टॉपिक है वो है ये महर्षि के टूट, आवाज ठीक है? क्लियर नहीं अभी आ रही ठीक है, सर, आवाज जा रही है? अभी सर क्लियर नहीं है वॉइस, बार बार क्लियर। सर रुक जाओ, एक मिनट। अब बताओ, अभी ठीक है? यस सर चलो, अब हम लोग पढ़ेंगे महर्षि चरक के अनुसार प्रकृतियां। महर्षि चरक ने कौन कौन से प्रकृति बताया है? तो इन्होंने 7 प्रकार के प्रकृति का जिक्र किया है। में कौन कौन सा? एक तो होता है कि एकल प्रकृति। एकल प्रकृति से समझेंगे क्या? वात, या फिर पित्त, या फिर कफ, ये एकल प्रकृति कहते हैं। द्विज प्रकृति होता है, या तो दो दो का मिलन हो, कैसे? वात या हो। कई लोग कल की प्रकृति दो दो बता थी, लोग जो है इक्वल के आसपास भी थे। या तो पित्त और कफ की हो, या फिर वात और कफ की हो, ये द्विज प्रकृति कहलाते हैं और ये एकल प्रकृति कहलाता है। इसके बाद 7वां है सम प्रकृति, इसको हम सम्मीपातक भी कहते हैं, ये योगियों के प्रकृति कहलाता है, बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत कम को मिलता है कि जिसकी प्रकृति सम हो, सारे ही वात पित्त और कफ जो है बैलेंस हो, बहुत कम देखने को मिलता है, होता है बट कम मिलता है। ठीक है, तो ये सारे प्रकृति कल मैंने आपको बताया कि कैसे क्या होता है, जो भी पैरामीटर्स थे, कैसे वात पित्त कफ हम डिफाइन करते हैं मनुष्य का। इसके बाद देखो, कुछ ऐसे भी चीज है, दो प्रकार के परिस्थिति होते हैं। एक तो ये है कि प्रकृति दो प्रकार से, एक तो है कि जन्म जात हो, है ना, जन्म से ही, उसको सहज प्रकृति कहते हैं, मूल प्रकृति कहते हैं। और एक होता है परिस्थिति जन्य प्रकृति, जो परिस्थिति के अनुसार बदल जाती है। कल किसी किन्हीं का तो था कि पहले पित्त था और फिर अब जाके उनका कफ हो गया है, शायद मुझे नाम याद नहीं आ रहा, प्रियंका जैसा किन्हीं का तो था। सर तो पूजा जी का, अच्छा, पूजा जांगरा। पूजा जी का था। तो प्रकृति परिस्थिति के अनुसार भी बदल सकती है, लेकिन जो मूल प्रकृति है ना, वो नहीं बदलती है कभी भी। ठीक है, वो अंतिम लास्ट तक, जब तक आपकी मौत नहीं हो तब तक वो रहती है। हाँ, भले कुछ समय के लिए परिस्थिति के अनुसार चेंज हो सकता है, लेकिन मूल प्रकृति नहीं बदलेगा, याद रखना। इसलिए दो प्रकार के प्रकृति बताए ना व्यक्ति, पहले तो एक सहज है मूल, जो जन्म से मिलता है, जन्मजात रहता है, और परिस्थिति किसके अनुसार? आहार विहार विचार, परिस्थितियों के अनुसार, दिनचर्या ऋतुचर्या पर भी निर्भर करता है, परिस्थिति जन्म चेंज हो सकता है, और ये घटती बढ़ती रहती है, अस्थाई है ये। ठीक है, इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है,
आयुर्वेद में निर्दिष्ट तीन उप स्तंभ, स्तंभ मतलब पिलर, ये तीन ठीक है, अगर एक भी नहीं रहा तो ये क्या होगा, बाकी चीजें का कोई अस्तित्व भी नहीं रहेगा। जैसे आप भवन का निर्माण करते हैं, जिस तरह पिलर पे पूरा भवन टिका रहता है, वैसे ही ये तीन चीज पे आपका पूरा शरीर का स्वास्थ्य जो है टिका रहता है ठीक है। अगर ये एक भी अनबैलेंस हो गया तो फिर आपका स्वास्थ्य अनबैलेंस हो जाएगा, प्रकोपित हो जाएगा ठीक है। और ये शरीर को धारण करता है ये सारे ही तीनों ठीक है, और इसी तीनों के आधार पर जो है वात पित्त कफ संतुलित रहता है या फिर असंतुलित रहता है, इसी तीनों के आधार, इसलिए इसको उपस्तंभ माना गया है। और वात पित्त कफ को कौन सा मानते हैं, अस्तंभ मानते हैं, और इसको क्या मानते हैं, उपस्तंभ ठीक है। और इसमें क्या क्या बताया है, अगर ये तीनों अच्छे से आप आहार ले रहे हो, अच्छे से निद्रा ले रहे हो, अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, तो आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। इसमें एक भी चीज अनबैलेंस हुआ तो आप कहीं ना कहीं आपके दोष प्रकोपित होंगे और आप बीमार पड़ेंगे ठीक है। तो हम जानते हैं एक एक करके आहार के बारे में, निद्रा के बारे में और ब्रह्मचर्य के बारे में। और देखो आयुर्वेद के अनुसार शरीर रूपी भवन पंच महाभूतों के मिश्रण से ही इन तीनों तत्व वात पित्त कफ से बना हुआ है। जो पंच महाभूत जो है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये जो पांच महाभूत हैं, इनके ही मिश्रण से वात पित्त कफ का निर्माण होता है ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि शरीर रूपी इस भवन को सुदृढ़ व स्वस्थ रखने के लिए आयुर्वेद के तीन उपस्तंभ बहुत जरूरी हैं, आहार ठीक है, आहार के बारे में जानना बहुत जरूरी है कि जैसा आप आहार ग्रहण करते हैं, एक कहावत है ना, जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन मन ठीक है। तो आहार बहुत जरूरी है कि आप किस तरह के आहार लेते हो, सात्विक लेते हो, किस तरह के आहार लेते हो, और आहार पे भी मन बहुत निर्भर करता है। जैसे कि कोई राजसिक आहार या तामसिक आहार लेता है, तमस भाव गुस्सा ये सारे चीज बढ़ जाता है। जो सात्विक लेता है, जो सतगुण का वृद्धि होता है उसके अंदर आहार, तो आहार बहुत जरूरी है ना। कहते भी हैं कि अन्नम वै प्राणा, है ना, अन्न से ही प्राण का विकास होता है, प्राण ऊर्जा का ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि आहार, और इसको उपनिषद में भी बहुत महत्वपूर्ण बताया है, ये जो मैंने अभी कहा अन्नम वै प्राणा, ये उपनिषद में ही वर्णित है। और यही अपने जो दोष धातु और मल जो है, आहार जो क्या करता है, अपने जो दोष धातु मल उसका पोषण करता है, प्राण की वृद्धि करता है, उसकी पुष्टि करता है, कौन, आहार ठीक है। तो इसीलिए, और बहुत लोग तो ऐसे हैं कि जो कहते हैं ना कि भाई हमारा जो जीवन है खाने के लिए होता है ठीक है, खाने के लिए जीवन नहीं होना चाहिए। जीवन मतलब ऐसा है कि हमारा जीवन खाने के लिए नहीं, अपितु खाना जीवन के लिए होना चाहिए। हम इसीलिए जीते हैं कि हमें खाना है, ये नहीं, इतना ही खाओ कि हम जीवित रह सके, बस ये होना चाहिए। शरीर की पुष्टि हो, अपने दोष धातु जो भी मल है उसकी पुष्टि हो, उसका विकास हो ठीक है। वो यह है ना, उपनिषद में भी कहा है कि अन्नम वै प्राणा, है ना, आहार ही जीवन है, प्राणों की वृद्धि होती है ठीक है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और हमारी इंद्रियों से भी बहुत ये संबंध रखता है। इसीलिए एक बार क्या महर्षि चरक ने किसी से पूछा, देखो यहाँ वाग्भट है, यहाँ कोई स्पष्ट नहीं है कि वाग्भट यही आचार्य वाग्भट है या फिर कोई और है ठीक है। तो बस चरक ने एक प्रश्न पूछा, हो सकता है वही हो, कि स्वस्थ व्यक्ति कौन है, कौन रहता है। तो वाग्भट जी कहते हैं, जो हितभुक है, मितभुक है और ऋतभुक है,
मतलब हितभूत का मतलब होता है जो प्रकृति के अनुसार भोजन ग्रहण करता है, मितभुक वह जो उचित मात्रा में लेता हो, और ऋतभुक जो उचित प्रकार से कमाया हुआ हो। ठीक है, ये चीजें हैं। ऋतभुक को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जो ऋतुओं के अनुसार से भी भोजन ग्रहण करना, ये भी कह सकते हैं। लेकिन ये चीज जहां से मैंने उठाया है बुक में, वो इस तरह का ही वर्णन है। ऋतुबुक में प्रकृति नहीं है, ऋतुबुक में यहाँ उल्टा हमको लग रहा है। हितभुक में होना चाहिए उचित प्रकार से कमाया हुआ, ठीक है, और ऋतभुक में प्रकृति अनुसार हितकारी भोजन होना चाहिए। ये थोड़ा आप लोग करेक्ट कर लेना इसमें, ठीक है। ये जो है ना, ये होना चाहिए ऋतभुक में प्रकृति अनुसार हितकारी भोजन, और मितभुक में उचित मात्रा में, ये सही है, और हितभुक में उचित प्रकार से कमाया हुआ भोजन। ठीक है, ये थोड़ा सा उल्टा है, ये ऋतुभुक में प्रकृति अनुसार होना चाहिए। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना इस तरह से। इसके बाद, और ये आप सर जब भोजन ग्रहण कर, ये बताओ क्या सर, आप कौन सा करेक्शन करने को बोल रहे हैं? ऋतभुक में ना प्रकृति अनुसार हितकारी भोजन होगा, मितभुक में उचित मात्रा में लिया हुआ है ना, मिताहारी जिसको कहते हैं, और हितभुक में उचित प्रकार से, जस्ट ऊपर नीचे कर लेना, उचित प्रकार से कमाया हुआ, गलत प्रकार से नहीं, 2 नंबर के पैसे से नहीं, है ना, उचित प्रकार से कमाया हुआ होना चाहिए, और फिर उसका करना चाहिए भोजन। तो ये बताया हुआ है। और ये एक और बात है कि जब आप भोजन करते हैं, उससे भी आपका जो शरीर में जो भी निखार आता है ना, सुख संतुष्टि पुष्टि बल मेघा, ये सारे चीज क्या होता है, हमारे अन्न पे ही निर्भर करता है। इसके बाद आता है निद्रा। एक दिन, कल मैंने बड़ा लेट नाइट सोया, प्रोग्राम था, और फिर दिन में 5 बजे सुबह उठना पड़ा, रात लेट नाइट सोया, कम नींद ली, और दिन भर ऐसा लगा कि तो मैं नींद में हूं, अजीब सा हेडेक होने लगा। आज भी मैं बहुत ज्यादा स्वस्थ फील नहीं कर रहा, ठीक है। तो नींद बहुत जरूरी है, अगर आप प्रॉप, और नींद भी होनी चाहिए, कैसा, क्वालिटी वाला, क्वांटिटी वाली नहीं। लोग बहुत सो के भी अच्छे से नींद नहीं लेते हैं, और लोग कम सो के भी क्वालिटी वाली नींद लेते हैं। तो क्वालिटी वाली नींद होनी चाहिए, अच्छी नींद होनी चाहिए, है ना। तो उस पे भी बहुत डिपेंड करता है हमारा स्वास्थ्य। अगर आप अच्छे से नींद नहीं लेंगे, नींद नहीं लेंगे, माइक माइक अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है। और ये जो है, कहते हैं कि बड़ा ईश्वरीय वरदान है, बहुत ही। और हमारा मन शरीर क्या होता है कि जब हम थक जाते हैं, तो जब हम नींद लेते हैं, तो थकान मिट जाता है, एक अलग तरह की एनर्जी आती है। तो इसलिए प्रॉपर नींद बहुत जरूरी है। आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है कि हम लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, सूर्योदय के बाद उठते हैं, बहुत ही गलत है। अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, तो आपको जल्दी सोना और जल्दी सूर्योदय से कम 1 घंटा पहले उठ जाओ, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। एक कहावत है ना, इंग्लिश में कहावत है कि अर्ली टू बेड, है ना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बहुत ही सही बात कहा है कि आप जो है जल्दी सो। एक बॉलीवुड एक्टर भी है, किसी को पता है, बहुत जल्दी सोता है वो। जॉनी, अक्षय कुमार सर, हाँ, अक्षय हाँ। कुमार सर, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार, वो कहता है अपने इंटरव्यू में कि जब उनके कलीग्स पार्टी से घर वापस आते हैं, वो वर्कआउट के लिए जाता है सुबह उठ के, सोच लीजिए, वो 9:30 बजे सो जाता है, ठीक है। अभी भी उसकी एज देखो, 50 के आसपास पहुंचने को आएगा, लेकिन फिर भी लगता है कितना यंग। तो इसलिए नींद बहुत जरूरी है। और इसमें 2 प्रकार के नींद बताया कि शिशु की नींद जो होती है वो 80 से 20 घंटे की बताई गई है,
और वयस्क की नींद 6 से 8 घंटे। कोई बता सकता है क्यों ऐसा? बच्चे की नींद 18 से 20 घंटे क्यों होती है? सर उसको कोई सर काम वो था, कब प्रवृत्ति होते हैं बच्चा सर ऐसा? की डेवलपमेंट होती है उसमें सर। और डेवलप माँ के गर्भ में तो वो सो ही रहे होते हैं ना, तो फिर वो मोशन एकदम से थोड़ी ना डेवलप सोच रहा होगा। के लिए उसके जो शरीर बहुत डेवलप करता है, उसको नींद चाहिए तभी वो डेवलप करेगा। अगर बच्चे नींद ना लेना तो उसके जो बॉडी का जो ग्रोथ होता है ना, नहीं होगा। तो नींद बहुत जरूरी है उसके ग्रोथ के लिए, ठीक है? तो शारीरिक विकास के लिए बच्चों को नींद ज्यादा आती है, उस टाइम ज्यादा सोते हैं। और सोने भी देना चाहिए, कभी बच्चों को नहीं उठाना चाहिए आधी नींद से, तो चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसका ग्रोथ जो है रुक जाएगा, है ना? तो ये सारे चीज जब आप उचित मात्रा में गाढ़ी नींद को लेते हो तो आपके चेहरे पे प्रसन्नता, कोई बीच में से उठा दे कितना आप चिड़चिड़े हो जाते हो, है कि नहीं? जब अच्छी नींद लेता है तो चेहरे पे एकदम अच्छा लगता है, फ्रेशनेस लगता है ना? शक्ति, ऐसा लगता है एनर्जी है, ओज, तेज, कांति, ज्ञान, आयु की वृद्धि होती है, ठीक है, उचित मात्रा में। लेकिन अति नहीं होना चाहिए, अति सर्वत्र वर्जित। अगर आप ज्यादा भी सो लोगे तो आलस्य और प्रमाद से गिर जाओगे, तो अधिक मात्रा में नींद भी लेना उचित नहीं है, ठीक है? ये सारे चीज, और ज्यादा भी लोगे तो आप, अगर आप नींद नहीं लोगे तो मनुष्य क्या कमजोर हो जाएगा, दुबला पतला, नपुंसक, निस्तेज, जड़ बुद्धि, मानसिक रूपी दुखी, ये सारे चीज, चिड़चिड़ापन आने लग जाएगा, है ना? सामान्य से कम नींद आना या वो अधिक नींद आना, दोनों ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और खासकर नींद दिन में नहीं सोना चाहिए, नहीं तो आलस्य और प्रमाद घेर लेगा। रात्रि का समय होता है सोने का, इसलिए तो रात बना है। दिन होता है काम करने के लिए, दिन में काम कीजिए, एनर्जी रहती है, रात को रिलैक्स कीजिए, रात्रि सोने का होता है, सोना चाहिए, ठीक सर है? अब हमको देखो तो महा, बहुत आती है, हमको तो बहुत क्या नींद आती है अच्छी बात है, बहुत भी नहीं आनी चाहिए, ये सर। मतलब तमोगुणी, दिन में आती है, मतलब 1 घंटा तो जरूर ये चाहिए होता इसमें। है। ये इस टाइम पे ना नींद आपको 10 से 11 के बीच बहुत तेज आएगी, हाँ आती है ठीक है? सर। यहाँ 10 से 11 के बीच में ना बड़ी तगड़ी सी नींद आएगी अभी, ठीक है? तो पावर नैप ले सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट का हल्का सा झपकी ले लो, वो भी बहुत अच्छा होता है। अभी हम बताएंगे कि वो भी कई प्रकार की नींद होते हैं, सर ठीक दिन में है? वर्णन मिला ना सर कि खाना खाने के तदुपरांत अब दोपहर में थोड़ा झपकी ले सकते हैं 10 से 15 मिनट, ऐसा वर्णन। उससे ज्यादा नहीं, कभी भी 20 मिनट से ज्यादा या आधा घंटे से ज्यादा सोना नहीं चाहिए दिन में। मैक्स टू मैक्स आप 15 से 20 मिनट लो, वो काफी है, उससे ज्यादा नहीं लेना, ठीक है? नहीं तो आपको कई बार ऐसा होता है कि रात दिन में आप गहरी नींद लेते हो 1-2 घंटे का, और लगेगा कि आपकी मॉर्निंग हो रहा है। कई बार होता है कि चलो ब्रश कर लेते हैं, ऐसा हुआ है किसी का साथ कि लगता है कि मॉर्निंग हुआ है? बहुत गहरी नींद अगर लेता है दिन, क्या? उसके बाद सुस्ती बहुत लगती है, कई बार ऐसा जरूर हुआ है। बार ऐसा लगता है कि मतलब दिन ही चेंज हो गया। हाँ, मेरे साथ भी मतलब ऐसा हुआ है कई बार कि अरे सुबह हो गया, चलो फ्रेश होते हैं, ब्रश करते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद याद, अरे अभी तो मेरे साथ भी हुआ, लेकिन दोपहर में सो गई हूँ और बाद में याद शाम आता को है तो कि भी मैं ऐसा सो लग रहा गई है थी, स्कूल के लिए लेट हो गई। ऐसा होता है। तो उन्होंने महर्षि चरक के अनुसार भी बताया है, ये आप लोग देख लोगे, सुश्रुत ने भी बताया है, ठीक है? और निद्रा का हेतु क्या है? तमोभाव है, और जागरण सत्व, जागरण होना चाहिए। जागरण ये नहीं कि आप जगे रहो सोई मत, नहीं, अवेयरनेस होनी चाहिए, ठीक है? सत्व गुणी कहलाता है, सर ऊपर और वाली ज्यादा लाइन ही नींद। हाँ जी, ऊपर वाली लाइन समझाओ ना, ऊपर जब मन के क्लांत स्थिर हो जाने से क्रियाशील इंद्रियों भी ठीक है, क्लांत हो देखो जाते चरक हैं। ने क्या कहा है कि जब मन के कालांत, कालांत का मतलब स्थिर, जब मन स्थिर हो जाता है, क्रियाशील इंद्रिया भी कलांत, मतलब वो भी इंद्रिया भी, जब मन शांत हो जाता है तो आपकी इंद्रिया भी शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। इंद्रिया क्या? जो भी आपकी इंद्रिया है, चाहे वो ज्ञान इंद्रिया हो या चाहे कर्म इंद्रिया हो, ठीक है, वो ही। तो मन जब हम सोते हैं, ठीक है,
जब हम सोते हैं तो उस वक्त हमारा मन भी बिल्कुल स्थिर हो जाना चाहिए, तब जाके आपकी सारी इंद्रियां, सारी थकान मिटेगी। जब मन ही शांत नहीं है तो सोने से कोई मतलब ही नहीं है, सारी इंद्रियां तो क्रियाशील है, इधर उधर दिमाग जा रहा है, बेचैन बेचैनी नहीं होनी चाहिए, पूरे विषय से निवृत्त हो जाइए। वही कह रहे हैं महर्षि चरक ने कि जब मन शांत हो जाए, सारे इंद्रियां रिलैक्स हो जाए, क्रिया जो भी क्रियाशील इंद्रियां हैं स्थिर हो जाए, ठीक है, और अपने विषय से निवृत्त, कोई भी विषय में मत भागिए, कोई कुछ कह दिया ध्यान इधर उधर भटक रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं, सारे ध्यान को एक जगह अपने श्वास पे टिका के रिलैक्स कर लो, अपने बॉडी पे टिका लो। योग निद्रा करते हैं, जब नींद ना आए ना योग निद्रा कर लो, बहुत अच्छी नींद आएगी। कहते हैं योग निद्रा से 5 घंटे मिनट में पूरी कर सकते हो, ठीक है, इतना पावरफुल होता है। अपने इसलिए तो कह रहा हूं कि अपने विषय से निवृत्त हो जाना। योग निद्रा में क्या करते हैं हम, उसके जो भटक रहे हैं विषय हैं उसको अपने शरीर पे लेके आ जाते हैं, निवृत्त कर देते हैं, तब मनुष्य सो जाता है, तब कहते हैं कि मनुष्य सोया हुआ, रिलैक्स हो चुका है। ठीक है, समझ में आया जो पूछ रहे थे? महर्षि चरक के अनुसार अब कहते हैं सुरश्रुत जी करे कि हृदय देहधारी, ये जो हम लोग हैं वो क्या है, देहधारी इंसान है, देह को धारण किया हुआ है, जीवों का चेतना, जीवों का चेतना स्थल है, ये जो हृदय देहधारी है वो जीवों का चेतना स्थल है, अतः हृदय के तमो विभूत होने से उन्हें निद्रा आती है। तमो, वही कह रहा हूं ना कि जब तम प्रभावशील होता है ना, तो जाके नींद आती है, तमोभाव ही निद्रा का कारण होता है, ठीक है। अगर सत्व है, रज है, तो उतनी नींद नहीं आएगी, लेकिन तमोभाव ही निद्रा का कारण होता है, इसलिए वही कह रहा है कि निद्रा का हेतु तम है, जागरण का हेतु सत्व है, ये महर्षि सुश्रुत के अनुसार है, ठीक है। इसके बाद निद्रा के प्रकार बताया हुआ है, ठीक है, कौन कौन सा है आपको बता देता हूँ। तमो भाव निद्रा, थोड़ा रिपीट कर, निद्रा का हेतु, निद्रा का हेतु तमोभाव, निद्रा का वजह क्या है। एक जगह अपने पतंजलि सूत्र पढ़ा होगा, पढ़ा है ना, उसमें एक जगह आता है, कहाँ पे कौन सा श्लोक है जो निद्रा के बारे में बता रहा है, व्याधि है ना सर, एक तो उसमें ही है सर, उसका अब ऐसी नींद है कि उसका पता ही नहीं चलता है क्या हो रहा है। मैं सर आप लोग पढ़ा रहे होंगे, अच्छे पढ़ा रहे होंगे, वो लोग अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे इस चीजों को। आभासी नहीं होता, ऐसी क्या निद्रा, ठीक है, जो उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है आपके जीवन में, ऐसे भी नहीं, वो क्या है, आपके बाधक हैं आपके योग के उसमें रास्ते में, ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। इसलिए कह रहा है जो सत्व गुणी होते हैं ना, पूरी अवेयरनेस रहते हैं, जागरण रहते हैं, कहते हैं ना योग निद्रा में जागृत रहना, सोना नहीं है ना। निद्रा के प्रकार, तमोभाव निद्रा, ये क्या इसके वजह से क्या होता है, पाप का जो मूल कारण है वो तमोभाव निद्रा कहलाता है। श्लेष्म समुद्भवा निद्रा, व्याधि वर्गीय कहलाता है, व्याधि मतलब क्या, रोग, रोग का कारण होता है बीमारी। मन शरीर श्रम समुद्भव निद्रा, ये भी व्याधि वर्गीय, ये भी व्याधि का वो है। आगंतुकी निद्रा, ये भी व्याधि वर्गीय है। व्यधान वर्तनी निद्रा, ये भी है। भूत धात्री निद्रा, प्राकृतिक रात्रि स्वभाव प्रभाव निद्रा। अब इसका बता देता हूं कैसे कैसे क्या है। ये तो समझ में आ गया, तमोभाव निद्रा, तम के वजह से ये है, ये पाप का मूल कारण है। श्लेष्म समुद्भवा निद्रा,
तबियत नाचिस है। मन शरीर श्रम समुद भवा, ये जो निद्रा आती है ना, जब शरीर थक जाता है उसके वजह से जो निद्रा आता है वो ये कह रहा है, मन शरीर जब थक जाए तब जाके जो नींद आए, तो ये है आगंतुकी निद्रा। ये समझ लो आगंतुकी मतलब आगंतुक से क्या है, ये गेस्ट मतलब इसका सपाठी लोग सर, मित्र लोग ऐसा मानेंगे आगंतुक। आने वाला अरे आने नहीं, वाला आने वाला अरे ये आगंतुकी होता है कि कभी भी आ सकता है, झपकी या इस तरह का, हम लोग पढ़ रहे हैं झपकी लगा दिए, ठीक है, तो मेहमान ये कहलाता है कला। आगंतुकी, ठीक है। इसके बाद आता है व्याध, व्याध यनुवर्तनी निद्रा, ये भी व्याधि वर्गीय है और ये होता है, ये क्लिक नहीं कर रहा माइंड पे, नहीं किसी बीमारी के कारण होता है सर। हाँ ये तो है, व्याधि है और इसका कोई टर्म है, मैं आपको इसको, और ये भूत धात्री निद्रा होता है या फिर रात्रि स्वभाव निद्रा, ये बहुत नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, ये योगियों के हैं भूत धात्री, ठीक है, मतलब स्वभाव से जो रात को सोते हैं ना उसी निद्रा को हम कहते हैं भूत धात्री निद्रा, ठीक है। तो ये है, और ये मैं थोड़ा सा बता दूंगा, व्याध माइंड थोड़ा सा क्लिक नहीं कर रहा सेकेंड वाले इसको, बता देंगे। श्लेष्म श्लेष्म समुद्र भवा निद्रा, श्लेष्म मतलब क्या होता है आप, क्या म्यूकोस, ये भी व्याधि वर्गीय ही है, और श्लेष्मा या फिर बहुत कोल्डनेस के वजह से नींद आती है ना, वो है ये श्लेष्म युक्त रहता है सर, बहुत नींद डॉक्ट आती है वही। के, तो वो ये है, और मन शरीर भी उनका व्याधि थक सिंगल जाता, ठीक है। 5 नंबर मैं एक बार बता दूंगा, ये थोड़ा सा ये इसका क्लिक नहीं कर रहा माइंड पे, अच्छा ये यहाँ है लिखा हुआ, रुक जाओ 1 मिनट, देखो यहाँ एक एक करके है यहाँ पे डिटेल। तमोभाव निद्रा तम प्रधान निद्रा है, पाप का मूल कारण श्लेष्म कफ की प्रधानता से है, अभी बता दिया था ना, इसकी वजह से नींद आती है, जब कफ बढ़ जाता है तो शरीर मन जब थक जाते हैं, है ना, मन शरीर श्रम युक्त निद्रा, जो शरीर व मन जब थक जाए तब जो नींद आती है आगंतुकी, अभी कहा ना आगंतुकी मतलब जब जो झपकी लेते हैं कुछ देर के लिए होता है, वो पढ़ रहे हैं बीच में नींद आ गई, हल्की सी झपकी ले ली हमने, वो आगंतुकी निद्रा कहलाता है, जो कुछ देर के लिए होता है, वो एयरपोर्ट पे जा रहे हैं या फिर कुछ फ्लाइट ले रहे हैं, कुछ भी हो गया, थोड़ी देर के लिए एयरपोर्ट हल्के से झपकी ले ली हमने, शॉर्ट टर्म। ये था व्या, 1 मिनट, ये था ना व्याधि, यहाँ क्या लिखा हुआ है, व्याधि युक्त निद्रा है ना, व्याख्यायुति निद्रा जो, हाँ ये देखो ये होता है कि जब कार्य पूरा नहीं होता है ना, तो गुस्से को शांत करने के लिए या फिर रोग के कारण जो नींद आती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं व्याधि युक्त निद्रा, ठीक है। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं और वो पूरा नहीं होता है तो गुस्सा बहुत आता है, और उस टाइम पे जो नींद आती है ना, उस टाइम पे भी नींद आती है, अरे यार फ्रस्ट्रेशन में जो नींद आता है उसको हम ये कहते हैं व्याधि युक्त निद्रा। क्लियर है, समझ में आ गया। इसके बाद होता है प्राकृतिक निद्रा, धात्री निद्रा कहते हैं, ठीक है, जो रात्रि में आता है, ये बहुत तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्तंभ है, वो है ब्रह्मचर्य। ये समझ में आया पहले, आहार और निद्रा समझ में आया आप लोगों सर मतलब हमें को, प्राकृतिक और आगंतुक की निद्रा बस लेनी चाहिए। प्राकृतिक होता है जो रात में हम लोग सोते हैं ना, 9 to 5 सोते हैं या फिर 10 से 5 जो भी सोते हैं आप, नेचुरल नींद जो आती है रात को नेचुरल, उसको हम कहते हैं प्राकृतिक निद्रा या तो भूत धात्री निद्रा, ठीक है, स्वभाव से जो होता है प्राकृतिक नेचुरल जो नींद आती है, ठीक है। और कौन सा पूछ रहे थे, आगंतुकी, आगंतुकी होता है कि हम जो कुछ देर के लिए पल झपकियां लेते हैं ना, उसको आगंतुक की निद्रा कहते हैं, सर मैं ये बोल रही थी कि ठीक ये है। दोनों ही निद्रा लेनी चाहिए, मतलब हमें कौन सी, प्राकृतिक निद्रा बहुत अच्छा है ना, अपने नेचुरल रात को जो जी। लेते हैं नींद, वो अच्छा है। देखो
ब्रह्मचर्य, तीसरा जो है महत्वपूर्ण शरीर का जो उपस्तंभ है वो ब्रह्मचर्य है। ठीक है, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या होता है? ईश्वर की उपासना करना, वीर की रक्षा करना ही ब्रह्मचर्य। ठीक, संयम युक्त आचरण में रहना। हाँ, ब्रह्म के आचरण में रहना, बहुत बढ़िया। कई सारे डिफिनेशन हो सकता है, लेकिन जो मूल बात है वो ये है कि अपने जो वीर्य का जो क्षरण होता है या फिर रज, देखिए दोनों चीज के लिए ब्रह्मचर्य जो है सिर्फ पुरुष पे लागू हो ऐसा कतई नहीं है, ये महिलाओं पे भी उतना ही लागू होता है। ठीक है, तो ये मत समझिएगा रे यार तो पुरुष के लिए, हमारे लिए थोड़ी है, ऐसा नहीं है, दोनों के लिए ही होता है। और ब्रह्मचर्य का पालन जो होता है सिर्फ वीर्य के क्षरण को रोकने से नहीं होना चाहिए, आपके व्यवहार में विचार में भी ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा अभी ब्रह्मचर्य के मैथुन के भी कई प्रकार है। ठीक है, सिर्फ संभोग आदि करने से ही नहीं होता है, कई प्रकार से आप किसी के बारे में गलत सोच लेने से भी ब्रह्मचर्य का नष्ट होता है ना। तो अच्छे विचार, इसलिए तो कहते हैं कि आप अपने अंदर सत्व गुण को बढ़ाइए, अच्छे विचार का उपार्जन कीजिए, है ना, सत्व गुणी बनिए, वो भी वीर्य की रक्षा करता है। तो हम थे यहाँ पे वीर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है कि संयम पूर्वक दिनचर्या का पालन करना। ठीक है, दिनचर्या या तो फिर रात्रिचर्या भी उतना ही है। ठीक है, ऐसा नहीं कि दिन में ही, अपने पूरे अपने अपने जो हम जीते हैं जीवन में, उस पूरे ही जीवन की बात हम कर रहे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भी हम खाते हैं, ठीक है, क्या होता है, पहले तो इसे समझना है कि प्रोसेस को समझना है कि जो चीज भी हम खाते हैं, अब देखो एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि कैसे हम वीर्य तक आते हैं, कैसे, तो हम जो भी चीज खाते हैं उसका पाचन के पश्चात ही जो भी धातु बनता है, धातु मतलब सप्त धातु होता है, रस रक्त, ध्यान से सुनना आप, ठीक है, श्रवण करो, श्रवण शक्ति भी होनी चाहिए अच्छी। ठीक है, जो भी हम खाते हैं और डाइजेशन के बाद, ठीक है, जो भी धातु बनता है, चाहे रस से रक्त, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा, तब जाके शुक्र का निर्माण होता है। ठीक है, शुक्र पुरुष के लिए मतलब जिसको हम वीर्य कहते हैं, और महिलाओं के लिए रज। ठीक है, ये चीजें हैं, तब जाके शुक्र या रज का निर्माण होता है। तो इसलिए कहते हैं इसको ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाहिए। और यही जो होता है शुक्र, ओज का निर्माण करता है, जो शरीर में तेज, ओज, कांति, शक्ति, प्रज्ञा, ये सारे चीज हमारे शुक्र पे ही निर्भर करता है। इसलिए तो हमने आहार को भी सबसे पहले लिया कि आहार अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आहार अच्छा है तो बाकी दोष धातु मल की भी पुष्टि होगी, वृद्धि होगी, तब जाके अच्छे से वीर्य का निर्माण होगा। फिर वीर्य का निर्माण होने के बाद ओज का निर्माण होगा, तब जाकर शरीर आपका पुष्ट बनता है। ठीक है, और ये सारे चीज समझ में आ रहा है ना आपको जो बता रहा हूं? ऐसा तो नहीं कि ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, समझ में आ रहा है। और ये जो हमारे शरीर में अग्नि का जो बल होता है ना, कहते हैं ना जठराग्नि बहुत जरूरी है आपके पाचन के लिए, वो जो अग्नि का बल है, ठीक है, या फिर ये अग्नि का बल वो शुक्र पे ही निर्भर करता है, ये भी बहुत गुड़ बात आपको बता रहा हूं मैं। इसलिए तो शुक्र, ये सारा जो जीवन है हमारा, जीवन वो शुक्र पे ही निर्भर है। कहते हैं ना कि मरणम, ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था कि मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्, मतलब बिंदु के पात से, मतलब बिंदु का क्षरण से मृत्यु आयु छिन होती है, क्षरण होता है, आयु का छिन होता है,
और बिंदु के धारण करने से जीवन की वृद्धि होती है। बिंदु मतलब क्या, यहाँ पे शुक्र या रज से ले सकते हैं, वीर से या फिर रज से, ठीक है। यही ब्रह्मचर्य के सर, आप जब विपरीत, आठवां जो सप्त धातु बताएं सर, ओज बताएं सर, आठवां में गिनती आएगा क्या सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो सप्त धातु में नहीं आता ओज, वो आता तो देखो यहीं तक है, शुक्र तक है। इसीलिए तो देखो धातु क्यों बोले हैं शुक्र को हमने, क्योंकि उससे ओज का निर्माण हुआ है। ओज को क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ओज से आगे का किसी चीज का निर्माण नहीं होता। याद है आपको उपधातु मैंने बताया था, उपधातु कैसे बनता है, इस धातुओं के से ही उपधातु का निर्माण हुआ है, इसलिए तो उसको उपधातु कहते हैं, और उपधातु से किसी और चीज का निर्माण नहीं होता। इसीलिए वैसे ही ओज है, ओज को हम इसीलिए नहीं कहते हैं धातु, क्योंकि उससे और किसी चीज का निर्माण नहीं होता, ठीक है। दैट्स व्हाई इसीलिए हमने शुक्र को, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि सर शुक्र तक ही है, इसके आगे ये और किसका निर्माण करता है, तो ओज का निर्माण करता है, इसलिए तो हम इसको धातु का संज्ञा देते हैं शुक्र को। अदरवाइज हम छह ही धातु लेते अगर शुक्र से आगे किसी चीज का निर्माण नहीं होता तो। समझ रहे हैं पवन जी, जिनके मन में ये प्रश्न, ठीक है। बहुत अच्छा लगता है कि जब आप प्रश्न पूछते हैं, कई सारे चीज होते हैं जो स्किप हो जाता है माइंड से, नहीं बता पाते हैं, तो आप बेहिचक होके प्रश्नों को पूछिए। मैं अपनी क्षमता अनुसार अगर मेरे पास उसके विषय में कुछ ज्ञान होगा तो मैं जरूर देने का प्रयास करूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपको कहूंगा कि ठीक है मैं अगले लेक्चर में इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। तो हम कहां सर, मेरा एक क्वेश्चन है जी, पूछ लीजिए, लेकिन प्रश्न और क्वेश्चन और आंसर लास्ट में रखना, बहुत अच्छा लगता है जब मैं एक फ्लो में रहता हूँ। ठीक है सर, लास्ट का जब एक कोई भी इंसान लेक्चर ले रहा होता है वो अपने फ्लो में होता है, और जब फ्लो में होता है ना तो कई ऐसे चीज, कई ऐसे घटना या कई ऐसे जानकारी जो है उसी फ्लो में मिल जाती है, जैसे ही माइंड डिविएट होता है वो जानकारी निकल जाता है। हर चीज तो इस नोटबुक में है नहीं लिखा हुआ, तो कुछ कुछ चीज आप अपनी श्रवण शक्ति को भी बढ़ा के सुन के याद करना, लिख लेना जो भी चीजें मैं कह रहा हूं। और वही क्या होता है आजकल जो है हम लोग भोग विलासिता में जीवन जी रहे हैं और बिंदु का या विवेक का क्षरण करते हैं, है ना। कहीं कहीं पे इस ब्रह्मचर्य का नाम अब्रह्मचर्य से भी वर्णित है कई सारे आयुर्वेद के टेक्स्ट में, इसीलिए क्योंकि वो आया है स्पेशली जो विवाहित पुरुष होते हैं उनके लिए वो टर्म किया गया है। ऐसा नहीं है, विवाहित पुरुष को भी कहा गया है कि अपनी जरूरत के हिसाब से ही शंभो क्रिया करनी चाहिए, क्योंकि भाई सृष्टि की रचना है, सारे चीजें वो प्रोसेस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कभी भी किसी भी तरह से स्वच्छंद होकर, ठीक है, अपने इस संभोग विलास में आप रहे, इस ऐसे इससे बचना चाहिए। तो इसीलिए विवाहित महिलाओं या पुरुष को भी एक सीमा के अंदर ही इस संभोग क्रिया में लिप्त होना चाहिए, ठीक है, स्वच्छंद रूप से नहीं, ठीक है, इस पर ध्यान देना। इसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखो एक चीज होता है कि सर हम कैसे करें, ठीक है, तो सबसे पहले अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना बहुत जरूरी है। कैसे, अपने खान पान से। तो आपको सत्व कहते हैं ना कि आपको सात्विक आहार लेना बहुत जरूरी है, सात्विक भोजन कीजिए तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में हेल्प मिलेगा। उत्तेजक राजसिक तामसिक भोजन मत कीजिए, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य के पालन में बाधक है, आपके अंदर वो तमोगुणी भाव को अग्रसर करेगा, ठीक है। आप उत्तेजक चीज मत देखा करो, आजकल लोग पोर्नो मूवीज की तरफ बहुत बढ़ रहे हैं, उस तरफ जाते हैं, तो उस सब चीजों से बचना चाहिए, ठीक है।
रहन सहन से बचना चाहिए उत्तेजना, बहुत ही सिंपल सात्विक रहन सहन शुद्ध, ठीक है, तब जाके ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, ऐसा नहीं, इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। तो बहुत संयमित जीवन जब तक आप नहीं जिएंगे तब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, ये बहुत जरूरी है। तो समय संयमित लाइफ स्टाइल होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बाकी चीजें अभी जो भी चीजें मैंने डिस्कस करी है, बहुत सारे पॉइंट यहाँ पे मेंशन है, जैसे मैंने अभी बताया मरणम बिंदु पाते हैं जी, ठीक है, ठीक है। और वेदों में भी कहा है ब्रह्मचर्य न तपसा देवा मृत्यु पघा नदा, है ना, ब्रह्मचर्य के बल पर देवों में मृत्यु को भी परास्त कर दिया है। देव जो लोग होते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपने बल को बढ़ाते हैं। तो ये सारे चीज है, इसमें अलग एक चीज है कि मैं मेंशन किया हुआ है कि 8 प्रकार के जो मैथुन बताए हैं वो है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है क्वेश्चन, तो आप लोग याद रख कर लोगे। 8 प्रकार के मैथुन का जिक्र है। पहला होता है स्मरण। देखो ये नेचुरल है, ठीक है, कि कोई मेल है तो फीमेल के प्रति आकर्षित होगा, कोई फीमेल है तो मेल के प्रति प्रकृति आकर्षित होगा, ये बहुत ही स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन उसमें भी आपको एक सात्विक विचार लाने की बहुत जरूरी है। आकर्षण तो है, होता है, लेकिन गलत मन में ख्याल या विचार नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये 8 प्रकार के मैथुन बताया है। अस्मरण, अस्मरण के यहाँ पे तात्पर्य विपरीत लिंग के प्रति विचार करना, सोचते रहना, ये गलत है, ठीक है। कीर्तन, कीर्तन का मतलब यहाँ पे चर्चा करने से, बार बार हम चाहे वह उस लड़की की चर्चा कर रहे हैं, वो इतना सुंदर है, क्या देखने में, वाओ वेरी ब्यूटीफुल, या फिर लड़की के बारे में, वाओ कितनी सुंदर दिखती है, बहुत, मतलब हमेशा उसके बारे में चर्चा करते रहना, उसी चीजों में लिप्त रहना, तो फिर वो भी बताया गया है ऐसे मैथुन पर, वो भी ब्रह्मचर्य में बाधक है ये चीजें। केली, छिप छिप कर, केली का ये क्वेश्चन भी अक्सर पूछा हुआ था, केली मतलब ऑप्शन था कि मैथुन के प्रकार में इसमें एक केली था, तो केली मतलब छिप कर करना कोई भी गलत काम या इस तरह के काम, अनुचित कार्य, वो छिप कर करना, उसको केली में लाया गया। प्रेक्षण, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ गया, ठीक है, तो हम आमने सामने कहीं पे भी, आजकल एक ना बड़ा एक वीडियो वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, कहा तो कि एक लड़का लड़की स्कूटी पे ही बड़ा अभद्र तरीके से बैठ के वो जा रहे थे, शायद उनको बहुत खोजा गया, पकड़ा गया। तो आजकल ये सब भी बहुत होने लगे, बड़ा आश्चर्य की बात है। तो आमने सामने करना, किसी के समक्ष भी करना, है ना, तो इसको प्रेक्षण के रूप में लिया जाता है, प्रेक्षण। गुहा भाषण, गुप्त रूप से बात करना, ठीक है। देखो दो चीजें हैं, एक होता है छिप कर करना, ये अलग चीज है, और यहां बात करने की बात की है। गुहा भाषण, भाषण मतलब बोलने से होता है, गुप्त रूप से बात करना। संकल्प, निश्चय कर लेना, भाई हम तो करेंगे ही करेंगे, कौन क्या मेरा उखाड़ लेगा, संकल्प, कोई भी गलत काम के लिए निश्चय कर लेना। अध्यावसाय, परिश्रम करते रहना उसके पीछे, आज उसके पीछे भाई हम बाइक से चक्कर काट रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, कॉलेज समय बहुत देखने को मिलता था, ठीक है, कि आज उस लड़की, या जनरली लड़के ही पीछे वो करते हैं, परिश्रम करते रहते हैं उसको पाने के लिए, किसी चीज को पाने के लिए, ठीक है। इसके बाद एक होता है लास्ट मैथुन क्रिया, जो शारीरिक संबंध बनाते हैं वो चीज है, ठीक है। तो ये हमने अभी तक देख लिया, 3 उपस्तंभ, बहुत डिटेल में समझा है इसको, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये तीनों आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। ऐसा कोई है जिनको ये 3 उपस्तंभ नहीं समझ में आया हो? मैथुन का सर स्मरण से पहले एक वर्ड था सर, उसको बता देंगे सर? कहाँ पे स्मरण, ये है ना, 8 मैथुन इस प्रकार हैं, ये मैथुन के सर मैथुन प्रकार के बताए, ऊपर में जो वर्ड है सर, मैथुन का वर्ड चाहिए, जो सांख देने जो वाला, 8 मैथुन क्या के अंग माने गए हैं, इसके यही है ना, इसके विपरीत आचरण ही
ही ब्रह्मचर्य जो आयु आरोग्य और सौख्य देने वाला है। यहाँ पे समझना है इसके जो विपरीत आचरण ही ब्रह्मचर्य है। ये जो हमने 8 बताया इसको अवॉइड करना है, ब्रह्मचर्य का अगर पालन करना है तो ये सब चीजों से दूर रहना पड़ेगा। वो वही तो कह रहा है कि इसका इसके विपरीत, इस 8 के विपरीत ही ब्रह्मचर्य है जो क्या करता है आपके आयु आरोग्य देने वाला होता है। समझ में आ रहा है पवन जी? जी जी सर, ठीक है। और किन्हीं को कोई कुछ क्वेश्चन है ये सर? आपने बताया था संकल्प सर निश्चय कर लेना, तो हम पॉजिटिव वे में इसे हम ले सकते हैं ना, सकारात्मक? तो फिर ठीक है, फिर तो ठीक है, लेकिन गलत वे में लोगे तो वही तो इसमें तो बताया संकल्प, कोई चीज के लिए हम आज मैं इसको पाके ही रहूंगा, मतलब उसमें है, उससे है कि हम आज इस लड़की को पाके ही रहेंगे, ठीक है, निश्चय कर रहे। ये तो गलत है भाई, सामने वाला प्यार करे ना करे हम तो करेंगे, समझ रहे हैं? वन साइडेड लव, संकल्प कर लिया ना, इसके वजह से ही तो कई सारे गलत गलत काम होते हैं हमारे जी। ठीक है पवन जी, समझ में आ गया? सर आपने जैसे निद्रा के बारे में बताया और ये मैथुन के बारे में बताया, तो जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी हिसाब से बनेंगे ना, जो ये आपका आपके नोट्स हैं ये इसी में से रहेगा, 110% है, इसके आगे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसी को घुमा फिरा के पूछेगा, आपको तैयार रखना है, इसी नोट्स में से आपको क्वेश्चन बनेगा, इसके आगे नहीं बनेगा, अभी तक तो नहीं हुआ ऐसा। और इसी को आपको अच्छे तरह से, हो सकता है उल्टा पुल्टा करके कोरिलेशंस पूछ दे किसी रस से के साथ किसी सी चीज में, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था ना कहाँ पे, धातुओं में, धातु था किसमें था, नहीं धातु नहीं था, जहां पे रस के साथ था वहां त्रिदोष और रस के साथ, त्रिदोष और रस के साथ जो संबंध बताए थे, त्रिदोष का टॉपिक अलग है, रस का टॉपिक अलग है, लेकिन क्या किया उन्होंने, दोनों को मिला के क्वेश्चन बना दिया। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए ना सारी चीज। समझ में आया जो पूछ रहे थे? जी सर। नहीं समझ में बोल देना, जबरदस्ती नहीं है, अपने पास बहुत समय है सर। दो प्रश्न है सर। सर ये प्रश्न था कि ये बागवत जी, ये बागवत जी का शिष्य थे चरक ऋषि, ऋषि चरक क्या सर? देखो ऐसा तो वर्णन हमें नहीं मिला है, क्योंकि मैं समझ गया, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया है ऐसा लग रहा हमें। वही चीज हम कह रहे हैं कि ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिला मुझे अभी तक कि चरक के शिष्य थे बागवत, लेकिन ये कहा जाता है कि चरक के बाद ही बागवत आए हैं, तो हो सकता है, बहुत 90% पॉसिबिलिटी है कि बागभट जो हुए हैं चरक के शिष्य हो सकते हैं, क्योंकि पहले चरक आए फिर बागभट जी आए, तो बहुत चांसेस हैं कि वही बागभट हो कि और कोई और हो। अब एक नाम का तो कई और कई सारे व्यक्ति हो सकता है ना, लेकिन जब नाम दिया है, नाम जब वर्णन है, तो हो सकता है वही हो, तभी तो, क्योंकि फेमस व्यक्ति का ही नाम मेंशन होता है, जो फेमस नहीं होता ना, शिष्य तो बहुत रहे होंगे, समझ रहे हैं, उनके शिष्य तो बहुत रहे होंगे, लेकिन जो ज्यादा फेमस हुआ उनका मेंशन हुआ, तो बागभट जी ही फेमस थे, तो इस लॉजिक से कहा जा सकता है कि हो सकता है कि यही आचार्य बागभट जी रहे होंगे। ये सर चरक जी इच्छा मृत्यु का धारण इनका सक... चरक जी शायद, अब ये तो नहीं पता मुझे दोस्त, इच्छा मृत्यु का, ठीक है सर? समझ में आ गया सर? जो 7 टाइम्स के प्रकृति थे और लास्ट वाला प्रकृति क्या था? 7 टाइम्स नो 7 टाइप्स का जो प्रकृति था, सम था, सम, अच्छा वो समीपात था, मत जो तीनों ही वात पित कफ तीनों बराबर हो, तीनों ही समीपात, हाँ। और जो आपने बोला दो प्रकृति है मेनली, जन्मजात और एक क्या था? परिस्थिति जन्य,
परिस्थिति जन्य प्रकृति, परिस्थिति के अनुसार है ना, आहार विहार विचार ऋतु के अनुसार ये सब सारी चीजें बदल जाएं, जब उसकी मूल प्रकृति बदल जाए तो वो कहलाता है। वो भी टेम्पररी बदलता है, ऐसा नहीं है कि बदल गया तो परमानेंटली बदल गया, नहीं। सहज प्रकृति नहीं बदलती कभी, जो मूल प्रकृति है जन्मजात है वो नहीं बदलती, लेकिन परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है थोड़े से समय के लिए हमेशा। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सप्त धातु, मैं इसको बता देता हूँ फिर क्वेश्चन आंसर ले लो, 2 मिनट मुझे दे दीजिए इस फिर आपके प्रश्न। सप्त धातु कहते हैं कि देह धारणात् धात्व, जो शरीर को धारण करे उसी को हम धातु कहते हैं, इसी को टिश्यू एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक है। और इससे ही मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। रस जिसको हम लसीका या प्लाज्मा कहते हैं, रक्त होमोग्लोबिन, मांस मसल टिश्यू, मेद एडिपोज या फैट टिश्यू, अस्थि बोन मज्जा बोन मैरो, शुक्र जिसमें मेल में स्पर्म या शुक्राणु कहते हैं और फीमेल में ओवम या अंडाणु, ये सारे सप्त धातु है। और ये सीरीज में आपको याद होना चाहिए, इस पे अग्नि की क्रिया होकर ही दूसरे दूसरे धातु की निर्माण होता है। जब हम भोजन करते हैं तब जाके उस पे क्या होता है, अग्नि की क्रिया होती है, जठराग्नि क्रिया होकर डाइजेशन से होकर, ठीक है, सार भाग और किट भाग में बदलता है। सार भाग मैंने बताया था ना, सार और किट, ये वेस्ट मटेरियल होता है, यहां से मल का निर्माण हो गया किट से, और सार मतलब यहां से धातु का निर्माण हो गया, सप्त धातु यूज्ड प्रोडक्ट। और ये धातु में कौन कौन सा, सबसे पहले रस का निर्माण, फिर रक्त, इस पे भी अग्नि की क्रिया होती है, रसाग्नि की क्रिया, रस का निर्माण, रक्ताग्नि की क्रिया, मतलब शॉर्ट में कहें तो धात्वाग्नि, जो 7 धात्वाग्नि मैंने बताए हैं आपको वो इस पे होता है, सातों पे, ठीक है, तब जाके ये धातु का निर्माण होता है। क्लियर है, इसको और हम डीप में कल देखेंगे। जठराग्नि, देखो ये सारे चीजें हैं मैंने बता दिया है, इसको हम कल पढ़ लेंगे, ठीक है। जी सर, बाकी आपके जो प्रश्न हैं वो पूछिए। आपने बताया था कि मूल प्रकृति जो होती है वो चेंज नहीं होती, जैसा कि हमने कल चार्ट के थ्रू अपनी प्रकृति को जाना था, तो वही हमारी मूल प्रकृति कहलाएगी ना, वो चेंज नहीं होती है। देखो अब इसका जवाब मैं आपको देता हूं, ये तो कहा जा सकता है कि हो सकता है आपकी ये मूल प्रकृति हो, जैसे यहाँ पे ना पूजा जी का पता चला था कि पहले उनकी मूल अलग थी प्रकृति, लेकिन कुछ समय से उनकी प्रकृति बदल गई, ठीक है। अब आपकी प्रकृति पहले भी वही थी और अभी भी वही है तो कह सकते हैं, लेकिन पहले अलग होता था और अभी अलग है तो हो सकता है कि चेंज हुआ है प्रकृति आपकी, वो आप बेहतर पता होगा आपको कि आपकी ये मूल प्रकृति है या फिर परिस्थिति जन्य प्रकृति है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से ही यही इसी तरह के कैटेरियाज रहे हैं आपके पैरामीटर्स में जो टिक किए हैं, यही आपकी सहज प्रकृति है, ठीक है, जैसे लेकिन सेम पहले था भी जो भी है। हाँ, तो बस वही है, यही आपकी सहज प्रकृति है। हाँ सालनी जी कुछ पूछ रहे हैं, हैंड रेज कर रहे हैं। कल मेरा क्लास नहीं, मतलब मैं पूरा क्लास नहीं ले पाई थी, बट मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुन के अपनी प्रगति के बारे में प्रयास किया है। तो आप मुझे बताइए, मेरा वात 4 है और पित्त 4 है और कफ 5 है। वही है, सम प्रकृति है और मतलब सब कुछ ठीक है, ओके है, बाकी डाइजेशन से बहुत अच्छा रहता होगा,